हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप सही ठीक रहेंगे। दोस्तों, आज एक हम प्रोडक्ट के लिए स्पेशल मैंने ऐड प्रोमो पोस्ट डिजाइन करना सीखेंगे। जैसे कि आप सभी को स्क्रीन पे दिख रहा है, ये मैंने एक सीलिंग फैन के लिए पोस्ट डिजाइन किया हुआ है। तो ऐसे ही कुछ क्रिएटिव प्रोफेशनल डिजाइन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो प्लीज़ बने रहिए इस वीडियो में स्टार्ट टू एंड तक। तो दोस्तों, आप सभी छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आप सभी को यहाँ पर कुछ नया क्रिएटिव डिजाइन सीखने मिले रोज़। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आ गए फोटोशॉप सीसी में। मैं जाता हूँ फाइल में और यहाँ से एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ। और यहाँ पे मैं साइज़ रखता हूँ 1080 बिट हाइट से, मैं 72 रेजोल्यूशन है, कलर मोड RGB। और यहाँ पे फाइल नेम देता हूँ मैं पोस्ट ऐड, और यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये हमारा डिज़ाइन साइज़ आ गया। अब मैंने एक इमेज लिया हुआ है, इसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले तो हम इसे PNG करेंगे। तो PNG करने के लिए मैं यहाँ पर सेलेक्ट में जाऊँगा और यहाँ से सब्जेक्ट को सेलेक्ट करूँगा। ये फर्स्ट ऑप्शन हो गया। और सेकेंड ऑप्शन है, यहाँ पर जाएंगे हम और यहाँ से मैजिक टूल को यूज़ करेंगे। तो आप यहाँ मैजिक टूल को क्लिक करिएगा, जिससे चारों तरफ एक सिलेक्शन ऑन हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे मास्किंग ऑन करूँगा तो यहाँ पे ये गायब हो जाएगा। तो इसे ऊपर लाने के लिए मैं Ctrl+I प्रेस करूँगा तो ये ऊपर आ जाएगा और पीछे का वाइट बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे मोटूल को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर राइट क्लिक करके मैं इसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लूँगा। इसे सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर ला के इस तरह मैं इसे रख लूँगा, इस तरह पोजिशन दे दूँगा। मैं Ctrl+T से मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, इस तरह थोड़ा नीचे की तरफ लूँगा मैं, इंटर करूँगा। अब मैं इस बैकग्राउंड पे क्लिक करूँगा और यहाँ से जाऊँगा मैं सॉलिड कलर में, और यहाँ से मैं ये कलर पिक कर लूँगा। तो मैंने ये कलर लिया, इसका कोड यहाँ पे जनरेट हो गया, आप सभी वो देख सकते हैं। ओके करूँगा। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल लूँगा और यहाँ पर इस तरह एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लूँगा। अब इसी के ऊपर एक मैं न्यू लेयर लूँगा बैकग्राउंड के ऊपर, और यहाँ से मैं कलर बॉक्स पे जाऊँगा और यहाँ से ये कलर पिक कर लूँगा मैं, इराक कलर कोड। ओके करूँगा। अब मैं यहाँ पे ब्रश को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं सॉफ्ट ब्रश को चूज़ कर लूँगा, इसे क्लोज कर लूँगा। मैं ओपन ब्रैकेट से इस तरह मैं बड़ा कर लूँगा ब्रश को और यहाँ पे क्लिक करूँगा, Ctrl+D करके इस सिलेक्शन को डिलीट कर लूँगा। तो ये कुछ इस तरह इफेक्ट आएगा। अब मैं इसी के नीचे एक फिर से न्यू लेयर लूँगा और यहाँ पर मैं ब्रश को यूज़ करूँगा, जो कि ऑलरेडी मैंने सॉफ्ट ब्रश लिया हुआ है। अब मैं यहाँ पर ब्रश को एक क्लिक करूँगा तो एक कुछ इस तरह इफेक्ट आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे लिप्स टूल को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे एक इस तरह मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लूँगा, इस तरह। अब मैं यहाँ पे इसका बॉर्डर कर लूँगा ऑफ़, और यहाँ फिल में जाऊँगा और यहाँ से ये कलर को पिक कर लूँगा, इसे क्लोज कर लूँगा। अब मैं जाऊँगा लेयर में और यहाँ से इसे ड्रैग करके इस फैन के पीछे रख लूँगा मैं, इसे इस तरह मैं एडजस्ट कर लूँगा थोड़ा। अब मैं क्या करूँगा, इसे एक डुप्लीकेट निकालूंगा, Ctrl+J प्रेस करूँगा और यहाँ पे Ctrl+T करके मैं इसे इस तरह मैं छोटा कर लूँगा, इंटर करूँगा। अब इसे पर डबल क्लिक करके मैं इस बैकग्राउंड का कलर पिक कर लूँगा। ओके करूँगा। अब मैं इसे थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ मैं, इस तरह मैं पीछे लेयर को सिलेक्ट करूँगा और इसी का डुप्लीकेट निकालूंगा Ctrl+J प्रेस करके, नीचे लेयर को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर इस तरह इसे ऊपर की तरफ लेके जाऊँगा मैं, और यहाँ पर डबल क्लिक करके इसे थोड़ा डार्क कलर ले लूँगा मैं, इस तरह। ओके करूँगा। अब मैं यहाँ पे रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे एक न्यू लेयर ले लूँगा, नहीं तो इसमें मर्ज हो जाएगा, और यहाँ से इस तरह एक रेक्टेंगल मैं ड्रॉ कर लूँगा और इसे इस तरह मैं छोटा कर लूँगा, इंटर करूँगा। Ctrl+ से डिज़ाइन को थोड़ा बड़ा करूँगा और हैंड स्पेस से मैं इसे थोड़ा नीचे की तरफ ला के यहाँ पर मोटूल सेलेक्ट करके इसे एडजस्ट कर लूँगा मैं, इस तरह थोड़ा सा मैं नीचे की तरफ लूँगा मैं, इस तरह। Ctrl+0 करके मैं डिज़ाइन पाऊँगा। तो ये डिज़ाइन हमारा कुछ इस तरह दिखेगा दोस्तों। अब मैं क्या करूँगा, इस लेयर को सिलेक्ट करूँगा, लेयर में जाऊँगा और इसी का फिर से एक डुप्लीकेट निकालूंगा, Ctrl+J प्रेस करूँगा, Ctrl+T करूँगा और यहाँ पे मैं इसे भी थोड़ा छोटा कर लूँगा मैं, इंटर करूँगा। और इसी पर डबल क्लिक करके मैं थोड़ा इसे भी डार्क ले लूँगा मैं, इस तरह। ओके करूँगा और इसे मैं सेंटर में से मैनेज कर लूँगा, इस तरह मैं। और इसी का एक डुप्लीकेट निकालूंगा, Ctrl+J प्रेस करूँगा और यहाँ पे नीचे वाले को सेलेक्ट करूँगा और शिफ्ट ऑपेर उसमें से ऊपर की तरफ ले लूँगा मैं, डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पे थोड़ा लाइट कलर ले लूँगा मैं, इस तरह। ओके करूँगा। अब मैं इसी के ऊपर फिर से एक न्यू लेयर लूँगा और यहाँ पे जाऊँगा, रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूँगा,
यहाँ पे एक रेक्टेंगल मैं ड्रॉ कर लूँगा इस तरह में, डिज़ाइन को थोड़ा बड़ा करूँगा मैं, और यहाँ पे मैं लेयर में जाके इसी पे डबल क्लिक करूँगा और यही कलर को पिक कर लूँगा मैं, ओके करूँगा। अब मैं यहाँ पे मोटूल को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इस तरह मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ इसे इस तरह, लेफ्ट साइड से भी मैं चेक कर लेता हूँ, कंट्रोल टी करूँगा इसे इस तरह मैं मैनेज कर लूँगा, इंटर करूँगा, कंट्रोल जीरो करके मैं डिज़ाइन पे आऊँगा। तो ये डिज़ाइन हमें कुछ इस तरह दिखाया दोस्तों। अब मैं थोड़ा फ़ैन को मैं मैनेज कर लेता हूँ इस तरह में। अब इस फ़ैन को सिलेक्ट करूँगा और इसी के नीचे एक न्यू लेयर लूँगा और यहाँ पे कलर बॉक्स पे जाके थोड़ा डार्क कलर पिक कर लूँगा, ओके करूँगा। अब मैं ब्रश को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे ब्रश को क्लोज ब्रैकेट से छोटा कर लूँगा, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, इसे डबल क्लिक करूँगा, कंट्रोल टी करूँगा, इसे इस तरह मैं बेंड कर लूँगा, इंटर करूँगा, यहाँ पर मूव टूल को सिलेक्ट करूँगा और इसे इस तरह पकड़ के मैं ड्रैग करके यहाँ पर इस तरह रख लूँगा, कंट्रोल टी करके थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा मैं, इस तरह मैं एडजस्ट कर लूँगा थोड़ा, कंट्रोल जीरो करूँगा डिज़ाइन पे आऊँगा। तो ये डिज़ाइन हमारा कुछ इस तरह दिखेगा। अब मैं यहाँ टॉप लेयर को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट अल्ट ही प्रेस करूँगा तो ये डिज़ाइन हमारा कंबाइन हो जाएगा। अब थोड़ा कलर करेक्शन कर लेते हैं हाईलाइट करने के लिए। तो मैं जाऊँगा इमेज में और यहाँ से जाऊँगा वाइब्रेंस में और यहाँ से इसका थोड़ा सा सेचुरेशन बढ़ाऊँगा मैं, वाइब्रेंस भी थोड़ा बढ़ा लूँगा और ओके करूँगा। अब मैं जाऊँगा फिल्टर में और यहाँ से जाऊँगा कैमरा रॉ में और यहाँ से मैं इफेक्ट में जाके, ये रहा इफेक्ट, यहाँ इफेक्ट में जाके थोड़ा सा टेक्चर बढ़ाऊँगा मैं इसका और क्लियरिटी भी, और इग्निट को थोड़ा माइनस कर लूँगा मैं इस तरह में, और गेन को रखूँगा मैं 8 तक और यहाँ पे ओके करूँगा। तो फाइनली दोस्तों ये डिज़ाइन हमारा रेडी हो गया प्रोडक्ट के लिए। तो दोस्तों ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए तो भी हमें चैनल को लाइक वीडियो करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।